मैं बड़ा खुश हूँ, छोटे छोटे बच्चे स्वयं सेवक, उनके माँ बाप ने उन्हें प्रेरणा दी, माँ बाप ने उन्हें संस्कार दिए, राष्ट्र के लिए समर्पित करने के लिए संकल्प सजोया, और उन माँ बाप की प्रेरणा पाकर के छोटे छोटे बच्चे संघ से जुड़ रहे हैं, राष्ट्र के प्रति अपना समर्पण भाव बचपन से सीख रहे हैं। ये जीवन की बहुत बड़ी घटना है। मैं देश की नारियों से, माताओं बहनों से अपील करता हूं कि वो अपनी कोख से दो बच्चे की जगह तीन बच्चे पैदा करें, दो बच्चे अपने लिए रखें और तीसरा बच्चा भारत माता के लिए समर्पित कर दें। भारत माता के लिए समर्पित कर देंगे, ये उनकी एक आहुति होगी, राष्ट्र के प्रति श्रद्धांजलि होगी, भारत माता के प्रति विनयांजलि होगी, राष्ट्र समर्पण के प्रति जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। हम जहां हैं पूरी तरह से होने की कोशिश करें, और याद रखें इस मुल्क में जन्म लेने वाले व्यक्ति पर तीन दायित्व होते हैं। एक कर्तव्य उसका अपने परिवार के प्रति होता है, दूसरा कर्तव्य उसका जिस समाज में उसका जन्म हुआ है उस समाज के प्रति होता है, और तीसरा कर्तव्य उसका जिस राष्ट्र की जिस देश की भूमि पर खेला है, कूदा है, बड़ा हुआ है, खड़ा हुआ है, उस राष्ट्र के प्रति भी उसका कर्तव्य है। आज ये देखने में आता है हर व्यक्ति एक ही कर्तव्य को निभा पाता है, पहला कर्तव्य अपने परिवार के लिए, इससे आगे नहीं सोचता है, वो जो कुछ भी करता है अपने परिवार के लिए ही सोचता है। लेकिन आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि उसके आगे भी कर्तव्य है, जिस समाज में आपका जन्म हुआ है उस समाज को आगे बढ़ाएं, उस समाज को मजबूत बनाएं, उस समाज को आत्मनिर्भर बनाएं, और फिर उससे आगे की सीढ़ी होती है जिस देश के अन्न को खा करके पानी को पी करके आप बड़े हुए, अपने पैरों पर खड़े हुए, वक्त आने पर उस राष्ट्र की समृद्धि के लिए, उस राष्ट्र के विकास और कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित कर दें। ऐसी भावना भी इस देश में पैदा होने वाले हर बालक के मन में होना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे स्वयं सेवक संघ के, चूंकि ये बच्चे हैं, लेकिन माँ बाप के द्वारा प्रेरित होकर के ये एक लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और जब कभी भी मुझे संघ का निमंत्रण मिलता है मैं जरूर आता हूं, इसीलिए आता हूं कि आप जो कर रहे हैं मैं आपके विचारों से पूरी तरह सहमत हूं, और जो मैं कर रहा हूं वही काम संघ अपनी नीतियों के द्वारा कर रहा है, इसलिए मुझे निमंत्रण मिलता है, मैं जरूर आता हूं। आज भी मुझे बुलाया गया, संघ के स्वयं सेवकों का ये परम सौभाग्य, आप अपने आपको सौभाग्यशाली समझिए, आप अपने आप को पुण्यशाली समझिए कि आपने अपने जीवन में तीसरे कर्तव्य के लिए विचार किया है और अपने आप को समर्पित किया है। आप अपने भावना को, सपनों को साकार करें, यही मेरा आपसे अनुरोध है। आप सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं, जय महावीर। मेरा चिंता का विषय यह है, डॉलर की कीमत कम हो रही है, रुपए की कीमत कम हो रही है, मेरा चिंता का विषय सिर्फ इतना है मनुष्यता की कीमत कम हो रही है, कोशिश करना है, हमारा प्रयास होना चाहिए, हमारा प्रयत्न होना चाहिए, हम कुछ करें, एक अच्छे मनुष्य का निर्माण करें, एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए अच्छे मनुष्य का निर्माण करना अनिवार्य है, परम आवश्यक है।
लोग मुझसे पूछते हैं, मुनि जी आपके पास पहनने के लिए एक जोड़ा भी नहीं, फिर आपने जिंदगी में क्या जोड़ा है? मैं कहता हूं मेरे भाई, मैंने जिंदगी भर छोड़ा ही छोड़ा है, और जोड़ने के नाम पर मानव को मानव से जोड़ा है। मैंने जिंदगी भर जोड़ा ही जोड़ा है, मैंने जिंदगी भर जोड़ा छोड़ा ही छोड़ा है, और जोड़ने के नाम पर मानव को मानव से जोड़ा है। आप सब लोगों से गुजारिश है, अगर आप तरुण सागर का कहा माने, अपना तन बीवी बच्चों को दे देना, चल जाएगा। अपना धन सगे संबंधियों को दे देना, चल जाएगा। लेकिन अपना मन सिवाय ईश्वर के और किसी को मत देना। जिंदगी में कभी दुख आता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसे भी स्वीकार करो। जो भी दे दे मालिक, तू कर ले कबूल। कभी कभी कांटों में भी खिलते हैं फूल। जो भी दे दे मालिक, स्वीकार करो। जीवन में परिवर्तन लाना है, जीने का ढंग बदलो। परिवार नहीं बदलेगा, आपको बदलना पड़ेगा। सामने वाला नहीं बदलेगा, आपको बदलना पड़ेगा। हमारी दिनचर्या बदले, हमारे जीवन में कोई बुरी आदत है वो बदले, हमारे जीने का तरीका कुछ गड़बड़ है वो बदले, सब कुछ बदल जाएगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, धर्म की शुरुआत केवल मंदिर मस्जिद शिवालय और चर्च से नहीं हुआ करती है, अपने घर से होती है। अपने घर से नहीं होती है, अपने से होती है, अपने आप से होती है। इसलिए जीवन के लिए, जीवन की समृद्धि के लिए, जीवन के कल्याण के लिए हम गुरुओं के पास जाते हैं, मुनियों के चरण छूते हैं। क्यों? क्यों मुनियों के चरण छूते हैं? क्यों? इसीलिए मुनियों ने इन चरणों से पूरे देश की ही, पूरे हिंदुस्तान की यात्रा की है। मुनियों ने इन चरणों से तमाम तीर्थों की वंदना की है, और जब कोई श्रावक उन चरणों को छूता है तो उसे तमाम तीर्थों के दर्शन का फल मिल जाया करता है। इसलिए हम मुनियों के चरण को छूते, चरणों की वंदना करते हैं। जीवन के लिए, जीवन की समृद्धि के लिए हमारी संस्कृति ने दिखाया, चरणों में झुकना, चरणों में आचरण होता है, हम भी उसके आधार बने, इसलिए हम चरण वंदना करते हैं। लेकिन आजकल आजकल कभी बहू को सास के चरण छूने की जरूरत पड़ जाए, शादी विवाह होती है, कई प्रसंग आते हैं, बहुओं को अपनी सासू के चरण छूना पड़ती हैं, पैर पड़ना पड़ती हैं, तो कैसे पैर छूती है, कैसे पैर छूती है? पैर नहीं छूती, घुटने छूती है। पैर चरण आचरण के प्रतीक है। जब हम किसी के चरण छूते हैं तो ये भावना कहते हैं, आपके चरण में जो आचरण है हम भी उसके हकदार बने। लेकिन जब बहू अपनी इस बूढ़ी सास के चरण छूते हैं, बूढ़ी सास के घुटने में क्या होता, क्या होता सास के घुटने में क्या होता सिवाय दर्द के और क्या होता है? लेकिन जब कोई बहू सास के घुटने छूती है तो मुझे लगता है बहू कह रही, अम्मा आपके दर्द का, घुटने का दर्द मिल। जीवन के लिए, जीवन की समृद्धि के लिए संतों की चरण वंदना की जाती है। चरण वंदना इसलिए की जाती है हम भी उस आचरण के हकदार बने। पर याद रखना, संत के चरण में रुकना सरल है, संत के चरण में झुकना सरल है, पर गुरु के चरण में रुकना बहुत ही दुर्लभ हुआ करता है। झुकना सरल है, झुकना सरल है, पर रुकना, 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 अरे झुकने वाले तो हजारों हुआ करते हैं।